हेलो भाई, मैं विवेक। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा भाई सोनाली का DI-50 टाइगर सीरीज़ का अपना ये ट्रैक्टर है। फ्रंट से अगर आप व्यू देखोगे तो आपको पूरा ही डिफरेंट इसका व्यू देखने को मिलेगा। हमारे जितने भी टाइगर सीरीज़ के ट्रैक्टर है सभी का सेम आपको व्यू देखने के लिए मिलेगा। फ्रंट से आप लुक देख सकते हो, कमेंट करके आप बता सकते हो कि इसका लुक आपको किस तरह से लगता है। यहाँ पे आपको फ्रंट में इसका जो बेट है वो मिल जाता है, जिसे हमें पुराने सोनालिका में मिलता था। यहाँ पे टाइगर का लोगो, सोनालिका की बैचिंग मिल जाती है। साथ में आपको काफ़ी सारा जो क्रोम का इस्तेमाल है वो दिख जाएगा इसके हेडलाइटों के ऊपर। प्लस इसमें आपको कंपनी ने एक और नई चीज़ ऐड करके दी है, यहाँ पे आपको DRL मिल जाती है दोनों साइडों पे। ये ट्रैक्टर में आप लगा लो कि सोनालिका में ही आपको ये चीज़ मिलती है, बाकी किसी भी ट्रैक्टर में आपको इस तरह से DRL नहीं दी जाती। ऊपर भी यहाँ पे आपको कूलिंग के लिए एक जो जाली है वो दी जाती है, जिससे आपका ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी ठंडा हो सके। साइड प्रोफाइल की बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो पावर स्टीयरिंग का लोगो मिल जाएगा, उसी के साथ में 4D एयर कूलिंग। अभी 4D एयर कूलिंग यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रंट में आपको एक जाली मिल जाती है, दूसरी साइड देखोगे यहाँ पे भी जाली है, और इधर की साइड देखोगे तो यहाँ पे भी आपको जाली इसमें दी जाती है और एक जाली ऊपर, मतलब चार जाली इसमें आपको दी जाती है। सोनाली का मेरे हिसाब से इसी को 4D एयर कूलिंग बताता होगा, बाकी अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। अभी उसी के आगे आपको यहाँ पर सोनालिका की बैचिंग मिल जाती है, जो कि क्रोम में आपको ली दी गई है। उसी के नीचे यहाँ पर आपको डिज़ाइन इन यूरोप, स्मूथ शिफ्टिंग, एक्जो सेंसिटिव हाइड्रोलिक इसमें आपको मिल जाती है। टाइगर की बैचिंग DI-50 52 HP की कैटेगरी का अपना ट्रैक्टर है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हाई टॉर्क 205 Nm। सोनालिका की ये चीज़ बढ़िया है कि HP की कैटेगरी भी आपको यहीं पर ट्रैक्टर के ऊपर आप देख सकते हो, प्लस इसका जो टॉर्क है वो भी आप इस पे यहीं पर देख सकते हो। ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अभी बात करें इसके मडगार्ड की, तो भाई मडगार्ड भी इसके काफ़ी स्टाइलिश मिलेंगे। प्लस यहाँ पे आपको टेल लाइट में भी जो DRL है वो दी जाती है। इसकी हर एक चीज़ काफ़ी यूनिक और अलग लगती है बाकी ट्रैक्टरों से, जिसे जो डिज़ाइन इन यूरोप है, तो बाकी में इसमें काफ़ी कुछ चेंज किया हुआ है। अभी बात करें इसके इंजन की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर का जो इसका इंजन है वो मिलेगा। 52 HP की कैटेगरी का इसमें इंजन दिया हुआ है, जो कि पुराने सोनालिका के ट्रैक्टरों में भी था। HP आपको 52 मिलती है। इसके इंजन रेटेड RPM की बात करें तो अभी आपको इसमें 2000 इंजन रेटेड RPM मिलता है, पहले 2100 था, अभी 2000 कर दिया है। इंजन की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 3065 CC का इंजन मिलता है, जो कि लगभग सेम है। उसी के साथ में अगर यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पे एक डीजल फिल्टर, यहाँ पे आपको वाटर सेपरेटर और अपना जो टूल बॉक्स है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ मिल जाएगा। इसका जो प्लेटफॉर्म है ये भाई काफ़ी ऊंचा है, मतलब काफ़ी ऊंचाई पे है। बाकी अगर इसकी कैटेगरी में आप ट्रैक्टर देखोगे तो उसमें सबसे ज़्यादा मुझे इसका जो प्लेटफॉर्म है वो ऊँचा लगता है। नीचे आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी मिल जाता है, आप कहीं से भी इसे आराम से निकाल सकते हो, कहीं भी आपके ये खेत में नीचे लगे। उसी के साथ में पहले इस ट्रैक्टर में आपको प्लेटफॉर्म में काफ़ी बम्प मिलता था, अभी इसका कंपनी ने काफ़ी हद तक कम बम्प कर दिया और आपको फ्लैट प्लेटफॉर्म मिलता है। यहाँ पे भी आपको सोनालिका की जो बैचिंग है वो मिल जाती है। यहाँ पे आपको हैवी ड्यूटी माइलेज प्लस ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक, मल्टी स्पीड सटल शिफ्ट गेयर बॉक्स, और आपको इसमें जो अपना एक्सल मिलता है वो भी नॉन एडजस्टेबल एक्सल मिलता है। हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर हो गया, आपका इंजन ऑयल फिल्टर यहाँ पे दिया हुआ है। उसी के साथ में अगर यहाँ से आप इसकी जो सीट है वो देखोगे तो कम से कम इसके ऊपर आप जब बैठोगे तो आपको 55 से 60 HP वाली जो फीलिंग है वो लगेगी, क्योंकि इस ट्रैक्टर की हाइट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। अभी मैं आपको ऊपर से एक बार इसका व्यू दिखा देता हूँ, उससे पहले आप यहाँ पे एक चीज़ और देख लो। यहाँ पे इसका जो शीशा लगा हुआ है, इस पर आपको सोलियस की जो है वो ब्रांडिंग मिलेगी। यहाँ पर सोलियस लिखा हुआ है, मतलब इसका जो कांच लगा हुआ है ये आपको सोलियस ट्रैक्टर वाला इस सोनालिका में लगा दिया गया है। अभी इसके ऊपर बैठ कर मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ कि आपको किस तरह से देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर बैठने के बाद आप देख सकते हैं कुछ तरह का व्यू मिलता है। साइलेंसर सेम हमारा जो पुराना था बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे स्टेयरिंग में आपको सोनाली का लिखा हुआ मिल जाएगा। इसका डैशबोर्ड भी आप देखोगे तो काफ़ी अलग कर दिया है और काफ़ी स्टाइलिश लगता है। ये हो गया भाई आपका सटल शिफ्ट गेयर बॉक्स, मतलब जितनी स्पीड में आप आगे चला रहे हो उतनी स्पीड में आप ट्रैक्टर को पीछे ले सकते हो, और यहाँ से बैठकर आप व्यू देख सकते हो भाई कुछ तरह से मिलता है। आपको 60 लीटर की कैपेसिटी वाला जो फ्यूल टैंक है वो मिल जाता है। अब अगर इसके गेयर बॉक्स की बात की जाए तो इस साइड आपको लो हाई मीडियम वाला गेयर बॉक्स मिलेगा, इसमें कॉन्स्टेंट मैस गेयर बॉक्स दिया हुआ है। दूसरी साइड आपको 1, 2, 3, 4 वाला अपना गेयर मिल जाता है, इसमें 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स का ऑप्शन मिल जाता है। सटल शिफ्ट से आप जितनी स्पीड में आगे जा रहे हो उतनी स्पीड में रिवर्स जा सकते हैं। क्लच की बात करें तो सिंगल और डुअल क्लच का ऑप्शन है। ऑयल इमर्ज्ड ब्रेक आपको इसमें मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको अपने जो पोजीशन लीवर है वो यहाँ पर मिल जाते हैं, ड्राफ्ट और पोजीशन लीवर। यहाँ पे आपका जो मडगार्ड है वो कुछ इस तरह से मिल जाता है, इसमें लाइनिंग दी हुई है। इसके ऊपर अगर आप दादी नहीं लगवाते तो ये लाइनिंग थोड़ी सी आपको बैठने में साइड वाले को डिस्टर्ब कर सकती है। वैसे आपको कंपनी से इसमें जो गादी है वो लगी हुई मिल जाएगी। अभी बात करते हैं भाई इस ट्रैक्टर के बैक एंड साइड के व्यू के बारे में, कि हमें पीछे इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या अलग चीज़ पीछे मिलती है।
पीछे से व्यू देखोगे तो भाई सेम व्यू मिलता है जैसे हमारे पुराने डिट्रो का था, बिल्कुल दिखने में उसी तरह से। 3 पॉइंट इसमें सेंसिंग मिल जाती है, और सोनालिका का कहना है कि इनका जो ये ट्रैक्टर है ये 130 अलग अलग पॉइंटों से सेंसिंग करवा सकता है। यहाँ पर आ हो गई आपकी टेल लाइट, इसमें भी भाई DRL दी है पीछे के साइड भी, ये तो किसी ट्रैक्टर में आपको मिलेगी नहीं, इसमें ही ये फीचर्स आपको मिलता है। यहाँ पर PTU की HP की बात करें तो इसकी लगभग 45 से 46 HP के PTU मिल जाता है। लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो इसमें आपको 2000 kg की जो लिफ्ट कैपेसिटी है वो दी हुई है। यहाँ पे हो गया भाई आपका टेल लाइट जो कि काफ़ी ऊंचाई ऊंचा करके दिया हुआ है, और यहाँ पे आप अपने नंबर लिखवा सकते हैं। अब बात करते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज, तो फ्रंट में इसमें जो टायर दिए हैं इसमें आपको 750/16 के बड़े वाले टायर दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 750/16 के फ्रंट टायर आपको मिल जाते हैं। पीछे के टायर साइज की बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कहाँ गया, यहाँ पे आपको इसमें 16/9/28 के जो 16 नहीं 14/9/28 का जो टायर है वो मिलता है। इसमें 16 का ऑप्शन नहीं है, 16 के लिए आपको 55 या 60 HP की कैटेगरी वाला अपना टाइगर सीरीज़ के ट्रैक्टर आते हैं वो लेना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया सोनाली का DI50 टाइगर सीरीज़ का ट्रैक्टर। आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।